अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं smoonsa.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं RTX 3060 ग्राफिक कार्ड का। इस वक्त हमारे पास MSI का गेमिंग एक्स ट्रियो ग्राफिक कार्ड मौजूद है 12 GB में। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे और इस पे गेम प्ले करके दिखाएंगे। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंद आने वाली तमाम वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो RTX 3060 ग्राफिक कार्ड MSI का जो हमारे पास अवेलेबल है गेमिंग एक्स ट्रियो का। इसको मैं बॉक्स ओपन करके पहले दिखाता हूं आपको। ये इसके अंदर इसकी कुछ बुकलेट हैं, वो आपने कैसे इंस्टॉल करना है ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है, इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है। अब हम कार्ड को निकालते हैं तो कार्ड ये हमारे पास देखिए 3 फैन में ये ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। ये ग्राफिक कार्ड वेट में भी काफी हैवी है, अगर इसका वेट किया जाए तो ये तकरीबन 3 kg तक इसका वेट चला जाता है। 3 फैन में है ये MSI गेमिंग एक्स का जो ट्रियो जो ग्राफिक कार्ड है 3060 12 GB में। इसके बिट की बात करें तो इसके 192 बिट होते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन आपको मैं इसकी सारी डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंप्लीट मॉडल की। मॉडल इसका जो कंप्लीट है वो GeForce RTX 3060 गेमिंग एक्स ट्रियो 12 GB है। इस तरह इसके अंदर इंटरफेस की बात करें तो PCIe एक्सप्रेस जो है इसकी 4.0 जेन की ये PCIe जो है इसके अंदर फीचर आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह कोर्स की बात करें तो इसपे 3584 जो है यूनिट है कोर्स के, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह कोर क्लॉक जो है इसकी वो 1852 मेगा हैशेज है, 1852 मेगा हैशेज जो इसके अंदर कोर क्लॉक है। मेमोरी स्पीड की बात करें तो इसके अंदर आपको 15 GB/s जो है मेमोरी स्पीड मिलती है। इसी तरह इसकी मेमोरी मैंने आपको जैसे पहले बताई है 12 GB GDDR6 इसकी मेमोरी है। बिट इसके 192 बिट हैं और अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 3 DP केबलें और एक जो है वो HDMI केबल लगती है। यहाँ पे 3 DP और एक HDMI केबल आप लगा के इसका जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर अगर पावर कंजप्शन की बात करें इसकी तो 170 वाट जो है इसकी पावर कंजप्शन है और इस पे जो पावर कनेक्टर लगते हैं वो 8 पिन के 2 कनेक्टर लगते हैं। आपकी पावर सप्लाई में 2 8 पिन के कनेक्टर होने लाजमी है। इसमें पावर सप्लाई जो रिकमेंडेड है वो 550 वाट की पावर सप्लाई रिकमेंडेड है। इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 4K जो है रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। 120 Hz तक जो है वो आप इस पे जो है 4K गेमिंग कर सकते हैं। ये थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको इसके बारे में बताई है। इस पे जो है डुअल फैन में भी ग्राफिक कार्ड आते हैं 12 GB में, सेम मॉडल में आपको देखने को मिल सकते हैं मुख्तलिफ वेंडर्स के। इसको जो हमारे पास अवेलेबल है वो मैंने आपको बताया कि MSI का गेमिंग एक्स ट्रियो जो है वो ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। इस पे लाइट का भी फंक्शन है, यहाँ पे RGB लाइट भी इसकी चलती है, वो भी आपको दिखाते हैं चला के इसकी। तो इसकी प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप वहां पे हमें कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके इसकी प्राइस के बारे में भी जान सकते हैं। तो इसका हम गेम प्ले दिखाते हैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में, आगे चल के इसकी गेम प्ले के बारे में दिखाएंगे और इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको दिखाते हैं। That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Thank you.
Carlyle certainly doesn't think so. Why else would she have asked that detective to come here? The murder. Was the blood? Central. Yeah, hey, bro. Over. Somebody just got them.
Don't, you'll be
pamphlet and learn how you can save the white race. Thank you.
तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट देना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप ये ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और ये ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। बहुत मुनासिब कीमत पे आपको मिलेगा। ये कीमत जो है इस वक्त मेरा नहीं ख्याल के पूरे पाकिस्तान में आपको ये मिल सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई जो है वीडियो लेके आएंगे नए कंटेंट पे, जिसमें आपको मुख्तलिफ चीजों की प्राइस के बारे में अपडेट करेंगे। तो इंशाल्लाह बस ठीक है।